हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। आज हम इंश्योरेंस क्लेम में क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट्स का क्लेम कैलकुलेशन करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना सिखाया था। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा लॉस ऑफ एसेट्स। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी बिजनेस प्रिमिसेस में आग लगती है तो एसेट्स का डैमेज होना स्वाभाविक है। बिल्डिंग का डैमेज होता है, फर्नीचर डैमेज होती है, मशीनरी का डैमेज होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि फर्म ने इन एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो फर्म उन एसेट्स के लिए क्लेम कर सकती है। तो उसका क्लेम का कैलकुलेशंस हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका कैलकुलेशन करना आज मैं सिखा रहा हूँ। उसका फॉर्मूला है इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई लॉस ऑफ एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है एक सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, श्याम ब्रदर्स टुक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर देयर स्टॉक एसेट्स ईयर 2019। फायर अकर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 इन द शॉप। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट्स वर एज अंडर। देखिए, एसेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये दे रखी है। देखिए, प्रॉपर एसेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टूडेंट्स दे रखी है। ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20 लाख है, उसकी पॉलिसी जो है 18 लाख है, लॉस ऑफ एसेट्स जो है 1 लाख है। मशीनरी भी वैल्यू दे रखी है इसकी, इंश्योरेंस पॉलिसी और लॉसेस दे रखा है। फर्नीचर में भी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी पॉलिसीज दे रखी है, लॉसेस दे रखे हैं। स्टॉक की भी हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये चीज़ हमें देखना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट्स। अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ एसेट्स के लिए क्लेम का कैलकुलेशन करना है। और इसका कैलकुलेशन हम निम्न प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई लॉस ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हम बिल्डिंग के क्लेम का कैलकुलेशंस करेंगे, क्लेम फॉर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का क्लेम कैसे होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी अपन देखेंगे बिल्डिंग की कितनी है। देखिए, बिल्डिंग की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 18 लाख है, और इसकी वैल्यू जो है 20 लाख है, और लॉस जो है वो 1 लाख है, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 18 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 90,000 आएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से मशीनरी की जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं मशीनरी की, देखिए मशीनरी की जो है वो 8 लाख है, और इसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख है, और इसके जो लॉसेज हैं मशीनरी के वो 2 लाख है। तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ 8 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 1,60,000 आ जाएगा। और फर्नीचर जो है, फर्नीचर का भी हम लोग देखते हैं, फर्नीचर की जो आपकी पॉलिसीज हैं फर्नीचर की वो 40,000 है, इसकी वैल्यू 50,000 है, और लॉसेज 30,000 है। तो हम लोग फर्नीचर्स का भी लिख रहे हैं 40,000, 50,000 एंड 30,000। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है 24,000 आ गई है। अब स्टॉक का हम देखते हैं, स्टॉक की जो आपके पास वैल्यू है, देखिए इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो 4 लाख है, और वैल्यू जो है 5 लाख है, और इसके जो लॉस है आपके वो 4 लाख है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए, स्टॉक का इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले हमने इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लिख दी है 4 लाख, और इसकी वैल्यू लिख दी है, और इसके जो लॉसेज हैं वो लिख दिया है। इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन आया है वो 3,20,000 है। स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने सारे एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेशन की है। पहले हमने बिल्डिंग की क्लेम कैलकुलेशंस किया है, फिर उसके बाद हमने जो है उसके बाद मशीनरी का क्लेम कैलकुलेशंस किया है, उसके बाद फर्नीचर का क्लेम का कैलकुलेशंस किया है, उसके बाद हमने स्टॉक का क्लेम का कैलकुलेशन किया है। इस तरीके से हम लोगों ने सभी एसेट्स का क्लेम का टोटल कैलकुलेशंस किया है। इस तरीके से हमें जो क्लेम है
वो 5,94,000 का क्लेम है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स टोटल एसेट्स का क्लेम करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक था इंश्योरेंस क्लेम का, लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग एसेट्स का क्लेम कैलकुलेशन करना सीखे हैं हमने। स्टूडेंट्स आपको मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आपके पास समय समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।